सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बेटी त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की सूरत है। कैसे कहूँ महान किसी एक को, घर के आंगन को दोनों की जरूरत है। उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती, लेकिन मुस्कुराहट रुकने से उम्र जल्दी बढ़ती है। राहत भी अपनों से मिलती है और चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है। यकीन कीजिए, ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। आज का पंचांग 12 अप्रैल 2023 दिन बुधवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 3:44 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र सुबह 11:59 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:20 से 1:54 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 12 अप्रैल 2023 दिन बुधवार, अपने वर्तमान योजनाओं में अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन के मामलों पर ध्यान दें, चाहे वो रिश्तों का संकट हो या नवीनीकरण या आवश्यक मरम्मत से संबंधित। अभी कोई खरीदारी या निवेश की आवश्यकता हो सकती है। गहराई से मामलों पर विचार करने के लिए समय निकालें। आज भावनात्मक प्रतिबद्धताएं महसूस होगी। धन और अन्य कीमती सामान आपको अधिक आकर्षित करेंगे, इसलिए आय व्यय या रोमांस आपकी प्राथमिकता रहेंगी। जीवन को निष्पक्ष रूप से देखने की कोशिश करें और इस पर ध्यान दें कि आपके पास क्या है। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदले, इरादे नहीं। दिन व्यवस्थित बीतेगा। दूसरों की सलाह की बजाय अपने फैसलों को प्राथमिकता देना आपके लिए उचित रहेगा। इस समय घर में बदलाव संबंधित योजनाएं भी बनेगी। लोगों से मिल रहा साथ आपके लिए महत्वपूर्ण है। पैसों से संबंधित बातों में सकारात्मक बदलाव नजर आ रहा है। जिस बड़ी खरीदारी के बारे में अभी तक केवल विचार किया जा रहा है, उसे अमल में लाना संभव हो सकता है। काम से जुड़ा बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है। किसी व्यक्ति के साथ मिलकर काम करते समय काम और रिश्तों को अलग अलग रखें। आलोचना की वजह से तकलीफ हो सकती है। मेहनत बड़ी सफलता को दूर किया जा सकता है। पार्टनर्स के बीच आकर्षण बढ़ेगा। सावधानियां, वक्त के हिसाब से खुद को ढालना जरूरी है। हर काम में अनुशासन और रोक टोक रखना दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। पड़ोसियों से संबंध खराब ना होने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज के दिन प्रेम संबंधों के लिए ठीक ठाक है। आपके और आपके साथी के बीच में कोई अनबन है जिसे आप दोनों खत्म करना चाहते हैं, तो साहस करके इन दूरियों को कम कर लें। याद रखें, रिश्ता दिल से होना चाहिए शब्दों से नहीं, और नाराज के शब्दों में होनी चाहिए मन में नहीं। आज आप रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं और आप अपने साथी की ओर आकर्षित महसूस करेंगे, और यह आकर्षण यौन संबंधों या किसी अन्य गतिविधियों को लेकर भी हो सकता है। रोमांस आपकी प्राथमिकता है और इसीलिए अपने साथी से भावनात्मक और भावुक संतुष्टि की इच्छा होगी। अपनी इच्छाओं को दबाने की जगह अपने साथी से शेयर करें। बात करते हैं करियर की। महत्वपूर्ण आधार्य कार्य या प्राथमिक शिक्षा के लिए यह दिन अच्छा नहीं है। पिता की समस्या आपकी एकाग्रता और कौशल के प्रदर्शन में व्यवधान बन सकती है। घर की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए समय निकालें। घरेलू कार्यों में शांति और संतुष्टि महसूस करेंगे। आज धन से जुड़े मुद्दे आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आज अपने अनुभवों की आवश्यकता महसूस कर रही हैं, जो आपके अस्तित्व को नया अर्थ दे सकती हैं। अपने दिमाग को खुला रखें और जो आपके पास है उसमें ही संतोष करें। एक बात हमेशा याद रखें कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। बात करती है सेहत की।
अनियमित दिनचर्या की वजह से सिरदर्द और पेट खराब होने जैसी स्थिति रहेगी। अपना ध्यान रखना भी जरूरी है। सेहत से जुड़ी हुई समस्या ना बढ़े इस बात का ध्यान रखें। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को मोदक का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।